अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोग के, कैसे हैं आप लोग। एक मतलब फिर एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके हम हाजिर हो गए हैं आपके साथ। और मैं यहाँ पे देखें आपके साथ आया हूँ यहाँ सबारस ट्रैवल एंड टूर। और इस वक्त हम लोग हैदराबाद क्रॉस कर चुके हैं, अब जा रहे हैं हम यहाँ पे म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाम शोरों से हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये वीडियो को हमारे स्पॉन्सर किया है सबारस ट्रैवल एंड टूर ने। और ये आप देख सकते हैं सारे लोग जा रहे हैं आगे और इसको पूरा विज़िट करेंगे। आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर सारी चेक करेंगे। और अभी से मुझे काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना कल्चर के हवाले से चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये देखें अब हम आगे जाके भी एक्सप्लोर करेंगे आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से दोस्त आ गए। जुनैद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? पिछले व्लॉग में भी आपने इनको देखा था, इस व्लॉग में भी आप इनको देखेंगे। फूड जब खाएंगे ना तब ये मेरे साथ होने वाला है फूड के पार्टनर, ठीक है ना भाई। तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या है। काफ़ी सारे लोग आगे जा चुके हैं और वीडियो में जो जो चीज़ें इस टूर में जो जो चीज़ें होती रहेंगी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, आपको दिखाता जाऊंगा और आपको पूरा बताता भी जाऊंगा कि आगे हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। और अभी हम क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो भी इस वीडियो में हमारे साथ ही आप देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम में, जिसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़बरदस्त सा है। एंड इस साइड पर फिर जुनैद हमें मिल चुके हैं। तो जुनैद कैसा चल रहा है अभी तक? अभी तक अच्छा चल रहा है, आराम से आए हैं। ज़बरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, म्यूज़ियम की हिस्ट्री वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करेंगे, आगे चलते जाते हैं। और ये भी और एक्सप्लोर करने वाली जगहें हैं, ज़बरदस्त हैं। ये देखें सारी चीज़ें, अब इसकी डिटेल क्या क्या है वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक कबीला है ओड, ठीक है। ये इनका रहन सहन ज़रिए मुआज, अभी भी इंटीरियर में कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। ये वॉल्स है, बाहर की जो बड़ी बड़ी दीवारें बनती हैं, ठीक है, आगे से इससे काम करते हैं। ये भी सेम है? नहीं, ये कोली है। ओके। बिलोंग फ्रॉम सर उमरकोट साइड। ये उनका रहन सहन, ये उनके घर का स्टाइल है। अच्छा, जैसा जिसे हम चौरा बोलते हैं। ओके, चौरा बोलते हैं। चौरा, ठीक है जी। आगे ये कुछ खत्थे खेस हैं जो सर्दी में ओढ़ने के लिए काम खेस, और ये पूरा हैंडमेड है। सही सही सही। अच्छा जी आगे। ऐसे ये एक हिंदी कम्युनिटी है, ठीक है, जो इंटरेस्ट पे वक्त बिजनेस करते थे, लेन देन लिखना वगैरह सारे हिसाब का, मतलब पैसे जो ब्याज पे देते थे इंटरेस्ट पे वो। ऐसे ही ये इनका रहन सहन, खाना, घर का स्टाइल, ये तो अपने मजहब के हिसाब से वो पिक्चर वगैरह लगी हुई है। आगे इसे ये जो भी कबीला है जिनका जरिए माश, ये सपेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, जोगी कबीला। जोगी कबीला, ठीक है, सही है। ये एक जत कबीला है, ये भी सिंध से बिलोंग करता है। माल बर्दारी कुछ जमीनों से उठा के फैक्ट्रियों तक, घरों तक कोई चीजें पहुँचाना लेना। बेसिकली ऊँट के ऊपर रखा है। ऊपर अच्छा, पाखड़ा, क्या कहते हैं, पाखड़ा, पाखड़ा, ठीक हो गया। ऐसे ये मेमन कम्युनिटी है, सही। इनको हम कोरी भी बोलते हैं। मेमन दो तीन यानी उनकी ब्रांचेस निकली, जैसे काठियावाड़ी हो गए, मेमन ऐसे। ओ ये हमारी लुंगी है। क्या है? लुंगी। अच्छा, लुंगी वो पहनते जो पहनते हैं। इस वक्त वो एक मफरल टाइप आ गई है, ठीक है, तब ये क्योंकि इसकी विड्थ और ऐसे। ये शेदी कबीला है, शेदी बेसिकली अफ्रीकन, कराची में ठट्टे में ज्यादा। ठीक ठीक ठीक। ये इनका जरिए माश है, मुगरबान बजाना, और ये रहन सहन। सही है। पाकिस्तान कौमी तराने की जो धुन बनी थी, ओके, अहमद अली छागला साहब ने बनाई थी, इस हारमोनियम पे, इसी पे बनी, इसी पे बनी थी। ये चीज है ना, क्या बात है। और ये उनकी तस्वीर है, ज़बरदस्त हो गया। चलो जी, ये एक हिस्ट्री का एक है जो लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होगा। ये हमारे पहले इदारे के इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स में शुमार होते हैं, अल्लामा आया काजी, वाइस चांसलर भी रहे, ठीक है। ये इब्राहिम जोयो साहब, ये भी बड़ा नाम, 100 साल इसने अपनी उम्र पूरी की, माशाल्लाह, ठीक है। सन अली अफंदी, ज़बरदस्त। मोहम्मद उस्मान लीपलाई, ये सारी बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़ी बड़ी शख्सियत। ओके जी, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय साहब, ठीक है। ये गुलाम मुस्तफा शाह, ये हमारे वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, ठीक है। जीएम सैयद, जीएम सैयद, सही सही सही। जितनी भी किताबें हैं सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
और आगे चलते हैं। अच्छा ये पहला सिंधी टाइपराइटर। अच्छा सिंधी टाइपराइटर, सिंधी लिखने के लिए। सिंधी लिखने। अच्छा वैसे तो मैंने देखे भी नहीं आज, मैंने पहली बार देखा है। जबरदस्त हो गया, क्या बात है। अच्छा जी आगे भी चलते जाते हैं। डॉक्टर एन ए बलोच, नबी बख्श बलोच साहब, ओके, इसके नाम से ये हमारे वाइस चांसलर, ओके, और जो फाउंडिंग हुई थी तो ये जमीन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल जो बुनियाद डली थी, बुनियाद डली थी, ये बड़ी बड़ी बेहतरीन। जरीना बलोच, सिंधी आर्टिस्ट, गायक का सिंगर, शमशेर हैदरी, जबरदस्त, कमर शहबाज, रामशंकर दीरानी, इन लोगों को किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई। सही कह रहे हैं, ये हमारे सिंथोलॉजी के फाउंडर्स में इनका शुमार होता है। डॉक्टर गुलाम अली अलाना साहब यहाँ के डायरेक्टर भी रहे, यहाँ के वाइस चांसलर भी रहे, अच्छी बात है। सॉरी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर, ये सेनेटर्स अब्दुल हमीद जतोई, एजाज जतोई पॉलिटिशियन करते हैं, पॉलिटिशियन लियाकत जतोई, उसके वालिद साहब और भाई, ये सेक्रेटरी एजुकेशन भी रह चुके हैं, सैयद पनाह अली शाह, ये उसका शौक था, स्पून कलेक्टर, स्पून कलेक्शन उसका शौक था, वर्ल्ड और जहाँ जहाँ भी गया वहाँ से उसने एक एक स्पून कलेक्ट किया, और इन पे प्रॉपर इनके वहाँ के मुल्कों के स्टैम्प्स या वहाँ के लोगोज। ये एम एस पावर साहब, बड़ा इसका काम है एग्रीकल्चर पे, बड़ा काम है। ठीक है जी, ओके, ये सारी चीज़ें तो हमने दिखा दी, अब आगे भी चीज़ें देखते जाते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे इसी ब्लॉग के अंदर, तो बने रहे हमारे साथ। चाचा क्या हाल है? सलाम, कैसे हैं, क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह मकसूद। कौन सी कुल्फी दे रहे हैं सर? दूध कुल्फी। निकाले जरा, ये निकाले, तैयार करें इसको। क्या बात है, क्या बात है, और इसके ऊपर क्या क्या लगेगा? चॉकलेट लगेगा, ऊपर खोपरा लगेगा, खोपरा भी लगेगा। गर्मी के अंदर जो है ना मजा ही कुछ और हो जाएगा। गर्मी का दुश्मन है। ओके खोपरा, ओ भाई साहब, खोपरे वाली कुल्फी और दूध मलाई मक्खन वाली। हाँ। और ये देखो भाई, अब कुल्फी भी हम ट्राई करें, और हमारी टीम जा रही है, इससे पहले टीम चली जाए, आपको पैसे दे दिए? जी जी, पक्की बात है। चलो फिर आगे चलते हैं, कुल्फी ट्राई करते हुए। हाँ भाई, ये भी हमारे दोस्त हैं, जबरदस्त बेहतरीन कुल्फी बनी है, बाप कहते। ओहो, और मजा ये आ गया। ओहो, मजा आ गया वाकई में, इतनी गर्मी में इतनी ठंडी कुल्फी। हाँ वाकई, ये सब लोग अब बैठने जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, नेक्स्ट जैसे जामशोरों की साइड पर जा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा होने वाला हो गया। ये देखे भाई, दम्बारा ट्रैवल एंड टूर, हमारी बस निकलने जा रही है, चाचा भी सलाम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं बस को बैठने। ओके, तो अब हम आ गए हैं अल मंजर होटल पे, जहाँ की जो है ना मशहूर है पल्ला मछली, और हम ये आ गए इस साइड पर, देखें दरिया सिंध वगैरह ज़बरदस्त का चल रहा है, और ये आप चेक कर सकते हैं, क्या बात है, बच्चे यहाँ पे नहा भी रहे, काफ़ी खूबसूरत मंजर है, इसीलिए तो इसका नाम है अल मंजर होटल। और पल्ला मछली बड़ी मशहूर है यहाँ की, और ये देखें भाई, जहाँ पे खाने की बात होती है जुनेद भाई हमारे साथ आ जाते हैं। जुनेद भाई आज क्या खाने में खाने वाले हैं आप? आज हम लोग बिरयानी खाएंगे। क्या बात है, सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, और उसके अलावा मेरे ख्याल में यही होगा। ओह हो, क्या बात है, मेरे मुँह में तो अभी पानी आ गया। मंजर बहुत अच्छा है, इसलिए उस होटल का नाम भी अल मंजर रखा हुआ है इन्होंने। तो आगे देखे भाई, ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट है, और ये पूरा हमारा टूर यहाँ पे उतर चुका है। आगे चलते हैं और देखते हैं अब आगे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं इस टूर के अंदर। देखिए उस साइड पे तो होटल था, लेकिन इस साइड पे लाने का मकसद ये है कि मेन अट्रैक्शन जो है ना यहाँ पे, ये आप चेक करें भाई, क्या बात है। और यहाँ से आप राइड भी ले सकते हैं, बोट राइड वगैरह, काफ़ी बड़े रकबे में, और ये पूरा एक ब्रिज जा रहा है जिसमें तकरीबन कितने सारे पिलर होंगे इसके अंदर, तकरीबन सर 20-25 दरवाजे होंगे, 20-25 दरवाजे हैं, और सारा ये फ्रेश वाटर है। अच्छा पल्ला मछली इधर ही की मशहूर है, पल्ला फ्रेश वाटर में ही होती है, लेकिन कांटे बहुत होते हैं ना पल्ला में, फ्रेश वाटर में कांटे होती है, होती है, ये बात भी है। अच्छा ये सब टूरिस्ट वगैरह ही आए हुए हैं पिकनिक वगैरह करने, ये सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो ज़बरदस्त हो गया, ये हमने आपको दिखा दिया थी कुछ, अब ज़रा सा फोटोग्राफी भी करते हैं और फिर चलते हैं खाना शाना खाते हैं, और आपके साथ भी शेयर करेंगे क्या खा रहे हैं हम आज। ओके जी, तो यहाँ देखें भाई, हैदराबाद की ज़बरदस्त सी जो है ना बिरयानी आ चुकी है, और यहाँ पे हमारे भाई खा रहे हैं। भाई ये कैसा चल रहा है भाई, क्या सब अभी तक कैसा आपका हिसाब किताब चल रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बिरयानी तो कमाल की हैदराबाद, क्या बात है। कैसी लगी आपको बिरयानी, ये बताए? अभी खाई नहीं है, खाए और टेस्ट करके बताया भाई बिरयानी आप लोगों को कैसी लग रही है। मेज मुझे तो जबरदस्त है, मैं ये आपके सामने लेवारा ले रहा हूँ, मैं ले चुका हूँ, क्या बात है, ये क्या बात है।
अब हम भी अगला सवाल करते हैं। तो हमारे साथ देखे दोबारा से शामिल हो चुके हैं कौन, ये है डॉन। चलो जी बिरयानी अब स्टार्ट करते हैं। हम भी एडजस्ट हो गए और हमारे जो साथ में जुनेद साहब है वो भी एडजस्ट हो गए। और ये देखे जी आए है क्या बिरयानी है भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। क्या बात है बिरयानी अच्छी है वाकई में। आलू आपको दे दे रहा, आलू आलू है भाई गिली बात है ना। आई थिंक नीचे की तरफ होगा, निकाल दें दो चिकन के साथ। अच्छा हैदराबाद एक वाहिद जगह है जहाँ की बिरयानी जो है ना वो है वाकई बिरयानी बिरयानी जैसी है। बिरयानी कह के पुलाव नहीं खिलाया जा रहा। जब तक बिरयानी खा रहे हैं आप जाएं महाराज ट्रैवल एंड टूर के पेज को भी जाके लाइक करें और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें। ओ हाँ क्या बात, ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक बहुत मजे कर रहा। मतलब जबरदस्त बात है, सफ़र जो है ना सफ़र बड़ा कंफर्टेबल होता है। अगर सफ़र कंफर्टेबल नहीं होना तो फिर सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। मुझे माँ बन गया था बेफिक्र। क्या बात, और चिकन भी काफ़ी इनकी ज़बरदस्त हुई है। तो यहाँ भी ना रायता भी आएगा, तो रायता भी था। देखिए इस टाइम है ना ऐसे ही होना चाहिए था। ओके अब कैमरे का एंगल हमने कर दिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड और अब जो है ना बिरयानी भी नज़र आएगी और आपको नज़र आएगा ज़बरदस्त। और इसमें ना हमने रायता वगैरह ऐड कर दिया ज़बरदस्त सा। सेवन अप रायते के साथ तो और ही, मेरी भी सेवन अप ही कर दी नहीं है, पेप्सी कर रहे। क्या बात है, अब बिरयानी खा के भाई हम लोग किधर जाने वाले हैं? कितनी देर का रास्ता होगा? एक डेढ़ घंटा है भी रास्ता, दो घंटे। अच्छा हमने अभी तक आपको दिखाया नहीं। एक मिनट अब यार तारिक भाई से मिलाने तो यार, तारिक भाई अभी तक वीडियो में। तारिक भाई कैसे आप? ठीक आप बताएं। बेहतरीन बेहतरीन तारिक भाई, ये बताएं बिरयानी कैसी लगी आपको? बिरयानी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा। तो मशहूर है हैदराबाद की बिरयानी। हाँ ये बात तो है, बिरयानी बिरयानी जैसी है इसमें कोई शक नहीं। क्या बात है, चले बैक टू नॉर्मल। और ये हमारे क्या बात है, और बिरयानी जो है ना वो तो 8 मार्क्स ले गई है 10 में से आराम से। वेरी नाइस, तो बिरयानी एंड करते हैं और चलते हैं आगे बिरयानी गोट की तरफ। वहाँ पे क्या क्या एडवेंचर होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कैंपिंग किस तरह होने वाली है, सब चीज़ें आपको दिखाते हैं इसी वीडियो के अंदर। ओके जी फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं रनी कोट पे और ये आप चेक कर सकते हैं कि सारा यहाँ पे किला है। अब इसकी क्या हिस्ट्री है वो सारी आज हमने देखनी है और रिकॉर्ड भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इधर से आप चेक कर सकते हैं ये सारा रनी कोट का एरिया है और रानी कोट इसको लोग नॉर्मली बोलते हैं लेकिन ये रानी कोट नहीं है, ये रनी कोट है। क्या कहते हैं ये सही बात है ना, वरना लोग गलत इसको प्रोनाउंस करते हैं, रानी बोल देते हैं, रानी कोट बोल देते हैं। नहीं रनी है, रनी कोट है। ये जो पूरा जो माउंटेन का आप देख रहे हो ये खीरसर रेंज, खीरसर रेंज के पहाड़। अच्छा अच्छा, नूरियाबाद से स्टार्ट होते हैं वो। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ ये जो ऐसे कटा कटा सा है ये पहाड़, ये क्या चीज़? पहाड़ जहाँ से भी कटा होता है ये आप समझ लें कि पानी गुजरा है यहाँ से। अच्छा, किसी जमाने में समंदर होगा, पहाड़ को सिर्फ पानी काट सकता है। हाँ क्योंकि बड़ी सफाई से कटा हुआ, ये कोई मशीन से कटा हुआ। जबरदस्त जबरदस्त, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी टीम के सारे लोग आ जाए तो फिर हम आगे चलते हैं। और यहाँ मुझे चूना पत्थर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है जो कि लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, वो पूरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो असद भाई हमारे साथ ही हैं, अभी चलते हैं आगे ऊपर और देखते हैं असद भाई और क्या क्या चीज़ें लोगों का इंतजार कर लें। साथ चलो आगे चलते हैं। तो देखिए जी अब हम जा रहे हैं ऊपर और यहाँ आपको उस साइड पे भी मोर्चे दिख रहे हैं, इस साइड पे भी मोर्चे दिख रहे हैं और ये हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है जिसके बारे में आगे चलते जाएंगे और मालूम करते जाएंगे। और इस साइड पर आप चेक कर रहे हैं और क्या ज़बरदस्त कारीगरी है, अब तक वैसे का वैसा इंटैक्ट है। सेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी इसमें काम किया हुआ है और
प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छी अच्छी बात तो यही है वाकई में। एंड इस साइड पे भी देखते हैं, जबरदस्त। अच्छा गर्मी भी है काफ़ी, लेकिन इस वक्त तकरीबन 5 बजे का वक्त हो चुका है। पहुँचते पहुँचते रोड्स वगैरह भी सही है एंड काम अच्छा हुआ है। वर्थ है इधर आना, जो आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं और जो लोग हिस्ट्री को फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये जगह एक ज़बरदस्त ट्रेजर है। अब ये आप चेक कर सकते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है। और ये आप देखें, पता नहीं कितनी हज़ारों सीढ़ियाँ, जिनको लोगों को ऐसा लगता है कि ये वॉल ऑफ चाइना है। एक किस्सा भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई अमेरिकन पायलट था, इंग्लिश पायलट था, वो समझा वो ये समझा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे पहुँच गया वो, लेकिन वो इस वॉल को देख रहा था ऊपर से। और अब यहाँ से पूरा व्यू और ऊपर की साइड पे हम आपको दिखाते हैं। ये चेक करें, क्या बात है, क्या बात है। और हम लोग पहुँच गए मोर्चे के अंदर इस वक्त, जो मैंने अभी आपको नीचे से दिखाया था। वाह, यहाँ पे उनके सोल्जर्स वगैरह, वाह वाह वाह। ये शेल्टर है, यहाँ से फाइट करते सुराखों से, तीर वीर मारते, तीर बंदूकें थी। अच्छा बंदूकें वगैरह, क्या बात है। हाइट आप चेक करो, ज्यादा आगे मैं नहीं जाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच संबारस ट्रैवल एंड टूर कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। ये पूरा पूरा टूर मेरा स्पॉन्सर्ड है संबारस ट्रैवल एंड टूर का, तो आप लोग भी उनके साथ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त से टूर अभी सिंध के चल रहे हैं, इसके बाद अपर साइड के भी आएंगे। तो जाएँ इनके पेज को सब्सक्राइब करें, संबारस ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब पर जाएँ और सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। बहुत मज़ा आएगा आप लोग का, बेहतरीन रिहाइश, बेहतरीन खाना एंड बेहतरीन ट्रैवल। ठीक है जी, अब इस साइड से जाते हैं और इस वक्त हम किले के अंदर हैं और यहाँ पे ठंड भी बहुत है। मतलब ठंड से मुराद ये कि जो टेम्परेचर है किले के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, और बाहर जो है ना वो तो है गर्मी। ओके, उसके साथ साथ आपने हारिस उस्मानी व्लॉग को भी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, जो कि मेरा चैनल है। दोनों चैनल पर इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, अब हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं एंड ये देखें हमारा ड्रोन भी वर्किंग कर रहा है, ये लीजिए भाई। ओके, अब हम चलते जा रहे हैं और आपने हमेशा इसके लेफ्ट साइड पे चलना है। जैसे कि आप देखें मेरी पूरी इधर तो सब लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं, राइट साइड पे चलेंगे खुदा ना खासा पावर डिसबैलेंस होगा, बहुत हैवी फॉल है तो उसको अवॉइड करना है। देखिए सब लोग लेफ्ट राइट साइड पर चल रहे हैं इस वक्त, तो लेफ्ट और मैं गलत बोल दिया, सब लोग लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं, राइट साइड पे आपने नहीं चलना। ठीक है, देखें आगे देखें, टॉप से एक 360 व्यू पूरा ये किला है। इसके इस साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, पूरा बॉर्डर लाइन है, सारे पहाड़ी एरिया। एंड इधर से आप और ऊपर जा सकते हैं उस चौकी के ऊपर, उसके बाद एक चौकी वहाँ है तो उसके वहाँ भी जाएंगे एंड देन विल ट्राई टू गो बैक अगेन। ओके, यहाँ से हम आ गए और सबसे मुश्किल जो चढ़ाई है ना वो ये है, क्योंकि इधर ज़रा देख के चलना है। अच्छा, गिरने विरने का ख़तरा यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ढलान बिल्कुल मतलब मुश्किल 6 फिट की है, तो कोई टेंशन नहीं। और वहाँ हम ऊपर जाते जा रहे हैं एंड लेट्स सी, ऊपर जाके चेक करते हैं। वाओ एक्सीलेंट। ओके, अभी मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ एंड यू कैन सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर बैक हिस्ट्री, जो कि खुद बोल रही है। सबसे ऊपर ऐसा मैं ही हूँ और मुश्किल से अभी 50 या 100 सीढ़ियाँ रह गई, देन आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। जिंदगी पहली बार मैंने इतनी हाइकिंग की है, सो लेट्स गो अगेन। सो फाइनली लास्ट 2 स्टेप्स एंड आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। और बहुत कम लोग पहुँचे हैं यहाँ तक, टच डाउन। वो कैमरा को अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लगा दूँ तो मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ। रेडी, थम्स अप। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कर लूँगा, और थैंक्स टू अल्लाह ताला, पानी मेरे पास है, टेंशन की बात नहीं।
और सांस भी मेरा संभला हुआ है. दिस इज द टॉप, लुक एट दैट. सारे लैम्प स्टोन के पहाड़ हैं छोटे छोटे, वहाँ पे आपको नज़र भी आएगा वाइट वाइट. एंड दिस इज द ब्लडी टॉप. वाह, लुक एट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ रनी गोट फोर्ट एंड द हिस्ट्री. ओके, अभी एक साइड और पे भी जाना है तो मुझे अब नीचे भी उतरना है. आई हैव टू गो बैक डाउन देयर. You know where my finger is? There. So I'll see you on the other end. और आगे क्या क्या होने वाला है वो भी बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहना इस व्लॉग में. इसके मैं बाइसेक्शन करके भी डालूंगा. तो थैंक यू अल्लाह ताला फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, आज है डे टू और देखें पीछे क्या ज़बरदस्त से बेडशीट लगे हुए. रूम शूम बहुत ही आला यहाँ पे इन्होंने हमें कराया था. एंड डेजर्ट के एरिया के अंदर आके अगर इतना अच्छा आपको रूम मिल जाए ना तो क्या ही बात है. अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए और देखते हैं कि नाश्ता लग चुका है. वहाँ पे लोग हमारे बैठ चुके हैं और ये देखें कुछ रूम का हमने क्या बेड़ा गरक कर दिया है. बट रूम इज़ वेरी गुड, क्लोजेट भी है, वॉशरूम भी है, प्रॉपर बेड्स वगैरह हैं. आगे चल के देखते हैं जी, लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम स्टार्ट हो गया है. सब लोग माशाल्लाह से आ गए हैं और भी लोग आ रहे हैं और ब्रेकफास्ट शुरू हो गया. ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें. देख भाई यहाँ पे आलू की मुझे लग रहा है भुजिया वगैरह है, पराठे हैं और क्या अंडे वगैरह भी. चलो जी, तो ये सारी चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट के अंदर. एंड बाहर का आपको मौसम एक बार मैं दिखा दूँ कि आज गर्मी कितनी ज़्यादा है. तो मेरी तो आँखें बिल्कुल नहीं खुलती जब मैं एकदम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो एक काम ही करते हैं फटाफट से सन ग्लासेस पहनते हैं. एंड आई शो यू, ये आप चेक करिए क्या बात है. एंड ये रहा रेस्ट हाउस. अच्छा मैं बाहर से भी एक मतलब दिखाई देता हूँ, ये आप चेक करिए, ये हमारा रेस्ट हाउस है इस डेजर्ट के अंदर. इस डेजर्ट के अंदर आपको मैं चेक कराता हूँ अपना रेस्ट हाउस. वाओ क्या बात है, और पूरे पहाड़ पहाड़ के बीच में. अच्छा रात को गोप्रो जस्टिफाई नहीं कर पाया इसे मैंने बनाया था कि क्या खूबसूरत क्लियर आसमान था, उस पर तारे थे, क्या बात है. और ये है मेन रनी कोट का किला जो कि ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे. जो पहले मैंने आपको वॉल दिखाई वो बेसिकली एक बॉर्डर वॉल है जिसके अंदर का ये एरिया है, ये पूरा किला है. बस नाश्ता करते हैं और चलते हैं अंदर अपने ज़बरदस्त से रिजॉर्ट में. तो ये जो मेरा पूरा टूर है स्पॉन्सर किया संबारास ट्रैवल एंड टूर ने, बहुत मज़े के लोग हैं. जाएं इनके पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब करें एंड जाएं इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें. ज़बरदस्त ज़बरदस्त से टूरिज्म के पैकेजेस लेके आ रहे हैं बहुत. क्या बात, अंदर चलते हैं और अब हम करते हैं नाश्ता. हाँ फिर देखें जी, ज़बरदस्त का नाश्ता वगैरह लग चुका है. तो लोगों से पूछें भाई अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. बहुत अच्छा रहा. फूड वगैरह कैसा रहा. बहुत अच्छा था. फूड का तो खास तौर पे कल रात का खाना भी बड़ा ज़बरदस्त था. मैंने दाल चावल बहुत सारे खाए. अच्छा ज़बरदस्त. अच्छा वैसे अकोमोडेशन आना जाना ट्रैवलिंग सब चीज़ें वो सब क्या. मतलब मेरी सोच से काफ़ी बड़ा चल रहा है वाकई. चलो जी, अच्छा यहाँ से भी ज़रा पूछ लेते हैं तो कैसा लगा आपको ओवरऑल. यार मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगा. डे वन का सब डे वाला तो और भी अच्छा था, खाना भी बेहतरीन था. और अभी सुबह में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल देसी खाना, घर का खाना लग रहा है. घर पे कह रहा हूँ मैं, घर का खाना ये लग भी बिल्कुल घर वाला ही रहा. ओके इधर पूछते हैं भाई आपका नाम. जिदार अहमद. तो कैसा लगा आपको ओवरऑल. बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा. मज़ा आया. बहुत मज़ा आया. तो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. अच्छा जी, अभी सबका इंट्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया और अब आपको दिखाते हैं भाई ज़बरदस्त सी यहाँ पे आलू की भुजिया वगैरह. आवाज़ मेरी इस वक्त डाउन ही, खाते हुए इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए वरना तो मेरी आवाज़ काफ़ी तेज़ हो जाती है, इसलिए स्लो स्लो बोलो. एडिट पर उठाना पड़ेगा सारा मुझे. ओके और इस साइड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑमलेट वगैरह भी ज़बरदस्त और बेहतरीन. ये भी ऑमलेट लेते हैं. ओके और ये कुछ ज़बरदस्त सिंधी टाइप के पराठे. तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं. क्या बात है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. गर्मी तो आज बहुत ज़्यादा है लेकिन बाहर जाके देखते हैं कि कैसा आज का एक्सपीरियंस होने वाला है. असल में रात के खाने की वीडियो हमने नहीं बनाई, उसका रीज़न ये था बहुत कम लाइट थी तो इस वजह से हमने बनाई नहीं वीडियो. हमने कहा दिन का तो नहीं छोड़ेंगे.
ज़बरदस्त टेस्ट है, लोकल बना हुआ फूड है, घर का फूड आप खाएँ तो गलत नहीं है। आपने जाना है संभाला ट्रैवल एंड टूर, उनका पेज लाइक करना है, यूट्यूब पर उनको सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करें। जब तक मैं खाना खा रहा हूँ यानी नाश्ता कर रहा हूँ, आप जाएँ हारिस उस्मानी ब्लॉग को यूट्यूब पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आ जाए आपको नोटिफिकेशन। खाने के वाले से बात करते हैं, ओवरऑल जो कंपनी है ना, जो लोग हैं ज़बरदस्त, किसी से भी आप बात करें हंस के बात करेंगे आपसे, कोई भी ऐसा नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई एक्स वाई ज़ेड कुछ भी है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी विद इन अ मिनट, तो इससे अच्छी क्या बात है। और जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट जोन नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है, इनके साथ आपको कंफर्ट जोन मिलेगा तो फिर आप इसको चाय भी आने वाली, चाय भी पीते हैं और चलते हैं आगे, फोर्ट का आपको पूरा व्यू करवाते हैं, ठीक है। लास्ट बाइट मुझे नहीं पता, वेरी गुड, तो पराठा है वाकई में काफ़ी सॉफ्ट है। कैसे हैं आप, आपका नाम? आपको मॉडलिंग नहीं करनी है, इंटरव्यू दे रहे। अच्छा कैसा लगा आपको ओवरऑल? बहुत मज़ेदार। फूड कैसा? फूड क्वालिटी तो आपके सामने देखें, देसी फूड, ऑर्गेनिक फूड। ये बात तो, इसमें मिलावट बहुत कम है, बल्कि आई थिंक है ही नहीं, मिलावट है ही नहीं, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं कोई मयार यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है शायद मिलावट का। और आपको ट्रैवलिंग कैसी लगी? ऑल ओवर बहुत अच्छा था एनवायरनमेंट ट्रैवलिंग, ठीक है। जब भी आपको ट्रिप करना हो तो संभारा एंड टूर्स के साथ करें। क्या बात है, और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बिल्कुल जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है ना। चले जी अब चलते हैं हम आगे। ओके भाई नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया और अब हम जा रहे हैं मेन किले के अंदर। और ये देखें सामने हमारा एक किला आ चुका है, इसके अंदर से इसको आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे। कल शाम में हम आए थे तो मैं दिखा नहीं सका था, बट अभी चेक कर सकते हो पूरा प्रॉपर रोड बना हुआ है और पहाड़ों के बीच में ज़बरदस्त सा ये हमारा रिजॉर्ट है जो कि STDC का है। एंड अब आज के जाते हैं, पूरी टीम देखे निकल गई आगे, मैं ही पीछे रह गया वीडियो बनाने के चक्कर में, एंड आपको चेक कराते हैं। तो ये देखें यार, ये इसका मेन जाने का हिस्सा है और ये कलियारा कह लें या क्या है, और इधर पे दरवाज़ा है। तो तारिक भाई दरवाज़ा ओरिजिनल लगा हुआ? हाँ। कितने साल पुराना होगा? हज़ारों साल, 2500 तो पता नहीं, हिस्ट्री नहीं पता। और ये देखें सारी इसकी साइट्स वगैरह हैं, आप देख लीजिए, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारी इसकी हिस्ट्री है किले की, सारी जगह है, हमने वैसे तो ब्लॉग में भी दिखाई है। हाँ जी ये चेक करें, और ये मेन वो किला है जो मैंने अभी बाहर से आपको दिखाया, और ये आप चेक करें, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस ब्लॉग में दिखाई हैं शुरू में, रास्ते में जो जो चीज़ें आती गई। इसके बाद हम जाएंगे परिंद। हाँ ये इसके बाद हमने जाना है, तो इसके लिए भी आपने रुकना है, और ये आप गेट देखें। अच्छा इसको थोड़ा मुझे लग रहा है रिपेयर शिपेयर किया गया है, बट जाहिर है काम तो करना है, और STDC और कल्चर वाले काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इस वक्त हम आ चुके हैं किले के अंदर, एंड आप ये चेक करें, हज़ारों साल पुरानी एक तहजीब है जिसको अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और ये संभारा ट्रैवल एंड टूर। तो आपको कैसा अभी तक एक्सपीरियंस है भाई? आप तो मैनेजमेंट में ना, तो मैनेजमेंट वालों को भी तो पता होना चाहिए ना उनका एक्सपीरियंस कैसा है कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ। अच्छा चल रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी किया रात को, म्यूजिकल नाइट थी। वाह हाँ म्यूजिकल नाइट बड़ी मज़े की थी। खाना वाना, खाना तो यार आप लोग का लाजवाब चल रहा है, क्या बात है। चले जी आगे चलते हैं, और ये देखें भाई इधर पे हमारे CEO साहब, सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ? अभी तक अच्छा रहा है। जैसे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें वेंडर अच्छे मिले हैं, तो आपको क्लाइंट्स अच्छे मिले हैं, ये मेरा सवाल है। बात बिल्कुल सही है, सही बात है, क्लाइंट तो हमेशा ही अच्छे मिल रहे हैं। ओके जबरदस्त हो गया, तो आगे बातें भी करते जाते हैं और चलते भी जाते हैं। गर्मी लेकिन बहुत, गर्मी तो है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हवा अच्छी चल रही है, ठीक है। तो ये आप देखें काफ़ी बड़ा एक पैसेज है, उस साइड पे एक कुआं भी है, तो इस साइड पे भी काफ़ी बड़ा पैसेज है, ये मैं आपको पूरा एक इसका 360 भी दिखा देता हूँ, एंड देन विल गो इनसाइड। अंदर भी कुछ चीज़ें बनी हुई, आई डोंट नो ये उसी वक्त की हैं या क्या है, लेट्स सी। ओके अच्छा इसके ऊपर इसकी मेंटेनेंस का भी काफ़ी काम हुआ हुआ है था, तो ऐसा नहीं है कि एकदम उसको खुला छोड़ दिया। अच्छा ये पहले का बना हुआ है, ये अभी बना है?
ये भी आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट हाउस टाइप का ही बना हुआ है, और ये चेक करिएगा, आई डोंट नो ये है क्या, मे बी रेस्ट हाउस ही होगा। ओके अब आगे जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं। इन्होंने पुराने को नया बनाया। हाँ कुछ ऐसे ही होगा, पुराने को इन्होंने थोड़ा सा सेटअप किया होगा, एंड देन आगे चलते हैं जी। जो जो चीज़ें इसमें आपको नज़र आएंगी वो एक्चुअली इसी तरह से अवेलेबल हैं, एंड यू कैन सी इन माय व्लॉग, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे टीम जा रही है, सब लोग साथ में, सिक्योर, सेफ्टी हैजर्ड कोई भी नहीं है माशाल्लाह से, ईच एंड एवरी वन इज़ इन पोजिशन। और इधर भी एक सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट हाउस, और उस पर ताला भी लगा हुआ है, तो ये आई थिंक वी आई पीज़ वगैरह के लिए होगा स्टे करने के लिए, और ये आप चेक कर सकते हैं। ओके यहाँ पे ये एंड हो चुका है, एंड विल गो ऑन द अदर साइड। तो इस साइड पे आप देखते हैं क्या है, एक और गेट है और ये दूसरा पैसेज। अच्छा इधर पे भी ये रेस्ट हाउस टाइप के बने हुए, एंड लेट्स सी पहले यहाँ का कर लो। इधर पे भी अच्छा ये ओपन है, तो चलें ये अच्छा एक है कि हम ये चेक भी कर सकते हैं क्या। अच्छा ये मुझे लग रहा है नई तामीर हुई है, और ये फ्लोर श्लोर सारे नए बने हुए हैं, एंड लेट्स सी अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई अंदर क्या हिसाब किताब है। ओके काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। ओके ये देखिए जी अंदर से आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक फैंस वगैरह भी लगे हुए हैं। अच्छा ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम मेरे हिसाब से यहाँ पे जारी है, क्योंकि अभी ये फ्लोर वगैरह आप देख सकते हो अब ये बिल्कुल नए बने हुए हैं, इसमें यहाँ पे सोफे वगैरह बेड शेड लगे, तो ये अच्छा सा एक रेस्ट हाउस टाइप का ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ एंड काफ़ी अच्छा एक सूटिंग। अच्छा अंदर की साइड पे गर्मी भी नहीं है, मतलब फील नहीं आ रहा इतना गर्मी, लेकिन बाहर की साइड पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं आगे, अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डेस्टिनेशन है, क्या करने वाले हैं इसी व्लॉग के अंदर। ओके अब हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर की साइड पे, और ये बाकी लोग भी जा चुके हैं ऊपर से भी एक्सप्लोर करते हैं। ये आप देख कर रहे हैं क्या बात है, सब इस शेयर के उस वक्त ही बने हुए, प्रिसिशन काम के अंदर बहुत अच्छा है, और क्या बात है। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर, इधर से जाओ पुराना नजर आता है, इन्हें कहने आ रहे बाकी चाय, और यहां से और ऊपर भी है, ये भी देखते हैं, ये चेक है क्या बात है, पूरा व्यू आपको नजर आएगा ऊपर से। ये आ गई हैं यहां की मलका। अच्छा जी इस साइड पे भी चलते हैं, एंड ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम अंदर आए हैं, और ये अब गलियारे से हम जा रहे हैं बिल्कुल किले के टॉप पे। ओके लेट्स सी कैसा व्यू नज़र आता है, पैसे होते हैं व्यू के, व्यू अच्छा सब अच्छा, गर्मी और भी आप सब भूल जाएंगे। अच्छा ये भी कोई चौकी टाइप की है जहाँ पे घास वगैरह होते होंगे, एंड ये आप चेक करें क्या पा, वेरी नाइस, पूरा व्यू आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे नज़र आएगा, एंड ये आप इधर से भी देख सकते हो पूरा, एंड फ्रॉम द अदर साइड एज वेल, ये आप चेक करें, ये रहा ये एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, एंड देन विल गो अगेन ऑन द अदर साइड, देखते हैं अगर वहाँ पे हम जा रहे हैं, नहीं तो फिर हम जाएंगे अब फेरी बात की तरफ। ओके जी अब हम पहुंच चुके हैं, और बस थोड़ा सा अब यहाँ पे हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और ये हम आ गए हैं फेरी बात की जानेब, और यहाँ पे ये लगा हुआ है एक बोर्ड भी, और आप ये देख सकते हैं कहा जाता है पुराने ज़माने पे यहाँ पे समंदर था जिसकी वजह से पहाड़ कटे, वरना इस तरह से कोई पहाड़ कटता नहीं है, सिर्फ पानी की वजह से ही पहाड़ कटता है। और अब हम आगे जाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि आगे क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे से झरने चश्मे हमें नज़र आना शुरू हो गए, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पानी वगैरह जाता हुआ, काफ़ी साफ़ सुथरा पानी है जहाँ की पगडंडी से आपके जानवर भी पानी पीते हैं, और सब काफ़ी साफ़ सुथरा, ये देखें आपके सामने जा रहे हैं, आगे जाते एंड चेक करते हैं, कभी भी थोड़ी सी ट्रैकिंग वगैरह करनी है, और फिर देखते हैं फेरी बात जो है ना, सुना है बहुत खूबसूरत है, परियां आके वहाँ नहाती है, तो हम भी जाके देखते हैं कि हम नहा सकते हैं कि नहीं नहा सकते। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फेरी बात पे, और ये देखें नीचे एक छोटा सा झरना है, ये सारा मीठे पानी का, और वो पूरा हाइकिंग करते हुए चलते हैं, इस साइड पर भी आप देख सकते हैं, एंड इसके बारे में मशहूर है कि इसमें है मछलियाँ छोटी छोटी, आप देख रहे हैं
जैसे ही आप पानी में पाँव डालेंगे या कि आपका मसाज करेंगे, यानी कि आपकी डेड स्किन जो है ना वो खाना शुरू हो जाएंगी। आप चेक कर लो, ये सारी छोटी छोटी मछलियाँ जैसे ही हम इनके करीब जाएंगे, और ये काफ़ी टेम्प्ट होती हैं, ये देखें सब करीब आना शुरू हो गई, तो इनको पता है। ये देखें फिश मसाज में बड़ी मछलियाँ भी हैं। एंड क्या फिश मसाज? ओके, तो आगे चलते हैं, वहाँ देखें फिश मसाज शुरू भी हो गया। और ये है फेरी बात, ठंडा ठंडा पानी, और इधर से देखें जी ओके। तो यहाँ पे देखें जी, मैं तो आ रहा था और यहाँ फिश मसाज शुरू भी हो चुका है, ये आप चेक करें। अब ये हैं अलीम साहब। सर जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अब आपने, हमने सबसे रिव्यू ले लिया, अब आपका रिव्यू रह गया, आप बताएं आपको कैसा लगा संवारास के साथ आके? देखें बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ फिश मसाज जो है फ्री में, हो रहा है। ये बात, सबसे खूबसूरत बात यहाँ की ये है। ओके, और आप देखें कि ये छोटी छोटी फिशेज, नॉर्मली हम जब मुल्क से बाहर थाईलैंड वगैरह में इसके काफी पैसे देने पड़ते हैं, बहुत पैसे देने पड़ते हैं। और पानी यहाँ का ये चश्मे का है, 12 महीने चलता रहता है। okay. मीठा पानी है, ठंडा पानी है, पी भी सकते हैं, आप पी सकते हैं, क्या बात है, और नहा सकते हैं, पी सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। क्या बात है, तो वहाँ दो लोगों ने तो नहा लिया है, बाकी भी सोच रहे नहा लें। चले आगे चलते हैं, और अब इसके बाद देखते हैं हम किस साइड पे जाने में। अब मैं भी ज़रा सा फिश मसाज लेता हूँ एंड देन आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो रॉक्स हैं वो काफ़ी स्लिपरी हैं पानी की वजह से। एक बार अभी मैं भी बचाऊँ स्लिप होते होते, बट सब्र रखना है, सब्र रखेंगे तभी काम बनेगा। तो अब यहाँ की कुछ फोटोग्राफी भी करते हैं एंड आपके साथ शेयर करते हैं आगे। ओके, अब इस साइड से जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूं, बट वहाँ देखें तारिक साहब अकेले बैठ गए हैं, ये रहा चश्मा जो नीचे जा रहा है। ओके, इस साइड से जाते हैं एंड देन ये आप चेक कर सकते हो, हर जगह मछलियाँ आपकी तलाश में, कि किसी तरह आप आ जाएं और वो शुरू कर दें आपकी डेड स्किन को खाना। ओके, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे रेगिस्तान में आपको इतना पानी मिल जाए तो क्या ही बात है यार। और देख के उतरना है, ये हम उतरे नीचे एंड देन आई एम गोइंग डाउन, और लेट्स सी। अभी पानी काफ़ी उतरा हुआ है, ज़्यादा चढ़ा हुआ नहीं है, और आई थिंक मुझे यहाँ से थोड़ी सी जंप करनी पड़ेगी। हाँ, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, ज़्यादा ऊंची जंप नहीं है, छोटी सी है, लाइक 4 फिट एंड आई एम डाउन। और हम आ गए हैं नीचे, बाकी सब लोग हैं ऊपर। हाँ जी तारिक भाई, क्या एक्शन है, ठंडा पानी है? हाँ, मज़ेदार ठंडा पानी यहाँ पे छोटा, और यहाँ थोड़ा गहरा भी है, बहुत गहरा है। और इस साइड से भी देखते हैं, हाँ ये साइड जो है ना ये काफ़ी डीप है, आई डोंट नो कितना डीप होगा बट इट इज़ डीप। ओके, वेरी नाइस, पहाड़ों के दामन के अंदर ये आप चेक करें, ऊपर पूरे पहाड़ी पहाड़ है। एंड नाउ इट इज़ माय टाइम टू गो इनसाइड द वाटर, और अपना भी ज़रा सा। हाँ सर तारिक भाई, इस साइड पे बड़ी मछलियाँ, उस साइड है छोटी मछलियाँ, तो यहाँ ज़्यादा आ नहीं रही हैं, क्या बात है। चले, और पानी ठंडा है तारिक भाई? ठंडा है, क्या बात है। तो अब हम दोबारा से ऊपर जाते हैं एंड अगेन यहाँ की कुछ फोटोग्राफी करूँगा मैं, और फोटोग्राफी के बाद ऊपर जाके अपना भी मसाज करवाते हैं। ओके, अब फाइनली टाइम मिल गया, तो अपने जूते रिमूव करते हैं, क्या ये जूते हो गए रिमूव, सॉक्स भी रिमूव करते हैं। और यहाँ आप चेक करें, छोटी छोटी मछलियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी। इस साइड आप ज़रा कैमरे के फ्राइज अंजाम दें। ओए हो, अच्छा गर्मी अच्छी खासी है, आपने चढ़ाना है हल्का सा पैंचा, और नाउ आई एम गोइंग इसके अंदर रखते हैं पाँव। ओके, और ये पानी भी काफ़ी ठंडा है, इसमें कोई शक नहीं, लेट्स सी। ये देखें जी क्या बात है, ओए हो, अच्छा छोटी छोटी सी ना लग रहा है, कोई पिंच कर रहा है, ओए हाँ वाह। अच्छा लग रहा है, माइनर इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं ना, ऐसा लग रहा है, वो लग रहा है, एंड इट इज रियली कूल, वाओ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग अंडर वाटर, ये मछलियों के बीच में कैमरा वैसे ही गर्म हो गया था, बट इट इज स्टिल ऑन रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा शेक करते हैं।
एक मैंने कर दिया एंड उसमें जो माइक में पानी गया होगा आई होप साउंड क्वालिटी अभी बेहतर हो गई होगी बट वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन हमने कहा थोड़ा सा आगे जाना है और आपको दिखाते हैं मोहन गेट। बेसिकली इस किले के चार दरवाजे थे जिनमें से मेन जो है वो दो हैं, एक ये मोहन गेट है जिसकी अभी तदीन और आरइश का काम जारी है। थैंक्स टू सिंध कल्चर डिपार्टमेंट के वो इतना अच्छा स्टेप लिया हुआ उन्होंने और यहाँ काम जारी है। और फेरी बात इस साइड पर जो कि अभी हम ट्रैकिंग करके आए ऊपर और ये है मोहन गेट। तो ये इतनी दूर आए थे और मोहन गेट नहीं देखते तो फिर क्या करना था। और ये देखिए फेरी बात का जो पानी है झरने का वो सारा यहाँ से होता हुआ और ये सीधा उधर डीप जाएगा और वहाँ से फेरी बात पूरा आ जाएगा। तो ये आप देखें यहाँ पे अभी सारा काम जारी है, आगे भी देखते हैं कुछ चीज़ें और अगर मिलती है तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं कि बार बार यहाँ पे आना नहीं होता। थैंक यू संबारस ट्रैवल एंड टूर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो और आप भी जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, अपना टूर बुक कर सकते हैं इनके साथ। इंटीरियर सिंध की टूरिज्म करवा रहे हैं, उसके अलावा आगे हंजा सेट की भी कर रहे हैं। तो जाएं लाइक करें संबारस ट्रैवल एंड टूर के पेज को, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि रॉक्स काफ़ी ढीली हैं। और ये आप देखें पूरा ये मोहन गेट है ये, और इधर पर भी काम भी जारी है ज़बरदस्त सा। और अब चलते हैं आगे दोबारा से अपना और आगे का सफ़र तय करते हैं कि अब देखना है आगे का क्या एडवेंचर होने वाला है हमारा। अब होटल में हम आ गए हैं जिसका नाम है राज रानी कोट रेस्टोरेंट और इसका ये है मेन्यू। होटल मैंने आपको दिखा दिया है और अब यहाँ मेन्यू पे ऑर्डर भी कर दिया। तो ये देखे जी बर्गर है, बेहतरीन बर्गर भी आ चुके हैं। तो ये लीजिए भाई, एक और भी है, ये लीजिए बर्गर आ गया है, जिंगर और एक और जिंगर है, ये रहना। क्या बात है, क्या बात है, ला भाई ला। ये लीजिए भाई फ्रेंच फ्राइज के साथ आ गए हैं जिंगर बर्गर और माशाल्लाह सब लोग की सर्विंग हो चुकी है और सब अब माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं। और भाई बॉस कैसे सर, पूरा टूर जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से। हाँ सब चीजें ए टू जेड परफेक्ट। हम बातें कर रहे हैं नीचे से चिप्स गायब हो रही है, चिप्स यहाँ जा रही है। तो भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रहा, ईच एंड एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बेहतरीन। ओके जी ये आ गया है जिंगर बर्गर और अब कराची के बाद पहली बार चिप्स मुझे लग रहा है मिलेंगी नहीं मुझे। तो ये इसका नाम बड़ा ज़बरदस्त है, नाम है राज रानी कोट रेस्टोरेंट। किस चीज़ का राज है ये तो खाना खा के ही पता चलेगा। तो ये जो है ना राज को राज ही रहने देना है। और यहाँ हमने जिंगर बर्गर मंगवाया, बाकी लोगों ने बिरयानी में, क्योंकि बिरयानी खा खा के हम बहुत थक चुके थे। मैंने चलो यार थोड़ा फास्ट फूड, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए टेबल रखवा देना डायरेक्ट, डायरेक्ट टेबल रखवा देना। चिप्स बिल्कुल फ्रेश है ना। आई होप जिंगर बर्गर भी अच्छे, क्योंकि बहुत सी जगह होती है जहाँ जिंगर बर्गर बनते तो हैं लेकिन अच्छे नहीं होते। अंदर से भी आपको दिखाते हैं जिंगर बर्गर कैसे। अरे नॉर्मल साइज है, बहुत बड़ा साइज तो नहीं है लेकिन एक नॉर्मल साइज का जिंगर बर्गर है। और अब बिस्मिल्लाह करते हैं। टेबल रख रहा हूं मैं। नॉट बैड, यहाँ पे कुछ सलाद वगैरह भी रखा, साथ में वो भी खाते हैं। पानी का गिलास आप चेक, ना स्टील का है ना कांच का है, मट्टी इसमें ज़्यादा ठंडा। चाय, 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और वहाँ से लेके यहाँ तक सबने बोला चाय। तो आपको पता चल गया वो जो कराची में लोग रहते हैं चाय के कितने बड़े शौकीन हैं। या तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है या तो जिंगर बहुत छोटा है, दो चीज़ें हो सकती हैं। बट ठीक है, गुजारे लायक जिंगर है, ऐसा नहीं है कि बार बार आए बिरयानी चखेंगे। अभी थोड़ी सी बिरयानी भी टेस्ट करके आपको बता दें। ज़बरदस्त बिरयानी है, गर्मा गर्म टेस्ट तो करनी ज़रूरी है ना हर जगह की चीज़। और बिरयानी भी हल्की तो नहीं है और हरी मिर्च मेरी फेवरेट इसमें तली में है। आप देख ओए होए होए, क्या बात है भाई, बिरयानी जिंगर से अच्छी है, इसमें कोई कम नहीं।
क्या बात है, सिंगल ऐसे आप एक बार खा सकते हैं, बार बार तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। एक बार खाएंगे कभी नहीं खाएंगे। लेकिन बिरयानी ऐसी है कि आप एक बार खा गए फिर आप दोबारा कभी टूर पे तो आप बैक कर पता है। सफ़र में आपने सिर्फ इतना पेट भरना होता है कि आप आगे कैरी ऑन कर सकें, फुल पेट भर लेंगे ना कोई फ़ायदा नहीं। अब इसको भी फिनिश करते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो को कि नहीं पूरे ब्लॉग में यहाँ पे फिनिश कर देंगे। सब कुछ हो गया, बस हमने लंच करना था। अब हम जा रहे हैं हैदराबाद, हैदराबाद से हम पहुँचेंगे कराची इंशाल्लाह। 4 घंटे का सफ़र है गया। इस ब्लॉग को देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को हारिस उस्मानी ब्लॉग को, बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आ जाए आपको नोटिफिकेशन। और संबारस ट्रैवल एंड टूर, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नंबर डिस्क्रिप्शन में, जाएं उनके फेसबुक के पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे जाएं उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बुकिंग डालना चाहते हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, अहमद भाई होते हैं, तारिक भाई होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं अपना टूर सिंध का, नॉर्दर्न साइड का, जहाँ का भी आपको बुक करना है करवाएँ, एयरलाइंस वगैरह की टिकटिंग करानी है वो करवाएँ, तो सारी डिटेल है। जाएँ उनको भी सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखें।